तन्हा कौन है? अल्लाहु अल्लाह। बादशाह वो कौन है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिलीज और फ्रेंड के साथ, और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर निवड़े से आप बाखबर रह सकें। आज मैं आपको मछली साफ़ करने का तरीका बताऊंगी। ये मछली मैंने 3 किलो ली है। मछली को अगर अच्छी तरह साफ़ ना किया जाए तो इसमें स्मेल आती है, जब हम खाते हैं तो स्मेल की वजह से नहीं खाई जा सकती। इसे किस तरह अच्छी तरह साफ़ करना है ये तरीका बताऊँगी आज मैं आपको। मछली की स्मेल को दूर करने के लिए मैंने 2 अदद नींबू लिए हैं। ये 2 अदद नींबू लिए मैंने। अब मैं नींबू निचोड़ लूँगी, फिला के निचोड़ना है आपने। अब मैंने नींबू निचोड़ लिए हैं। अब मैं 3 चम्मच सिरके की शामिल करूँगी, सफ़ेद सिरका। अब मैं 3 चम्मच सिरके शामिल करूँगी, सफ़ेद सिरका है। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि नींबू का रस और जो सिरका है वो सब में लग जाए, तमाम पीसेस में। अब मैं इसे 15 मिनट ढाम के रखूंगी और फिर मैं इसे अच्छी तरह धो लूँगी साफ़ पानी से। इसको ढाम के रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसे साफ़ पानी से धो लूँगी। अब मैंने इसे 4 पानी में धो लिया है ताकि इसमें जो स्मेल वगैरह है वो ना रहे। अब हमारी साफ़ हुई मछली तैयार है। इसमें आप इसी तरह साफ़ कीजिएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें और आखिर में जो वीडियोज़ हैं उनको ज़रूर देखें, आपको बहुत पसंद आएंगी। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।